अभी तो यही फेंक रहा है, पत्थर भी फेंकता है इसमें सर। अभी तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन में हम लोग के पास एक पेयर इसमें है सर। एक जो नर है इसमें वो बेतिया से लाया गया था सर, रेस्क्यू था। और एक हम लोग जानवर अदला बदली कार्यक्रम के तहत में ये मादा को हम लोग गुवाहाटी जू से लाए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जू में और बीते वर्षों में पटना जू में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कौन कौन से जानवर यहां पर आए हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के जानवर पटना जू में लाए गए हैं और ऐसे में लोगों की भी भीड़ जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है। घूम लेते हैं तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा पटना जू में? मतलब कि थोड़ा सा गार्डन भी ठीक है, और जो एक मुझे खराब लगा कि हाथी का पैर बंधा हुआ था। अच्छा, वो हमको थोड़ा सा बंधा हुआ इसलिए था क्योंकि वो घायल था हाथी, इस वजह से। वो तो हमको नहीं पता था शायद, इसीलिए इस वजह से उसका पैर बांध करके। जी जी, तो मजा आया काफी, बहुत बढ़िया, बहुत पहले से। हाँ हाँ, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हम लोग तो बहुत पहले आए थे, लेकिन फिर भी बहुत प्रोग्रेस हुआ है पहले से। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जानवर देखे आपने? क्या सब कुछ देखे ही, हम लोग टाइगर देखे, फिर स्नेक्स वगैरह देखे, वाटर पार्क देखे। हाँ, प्लेटोरियम है सब देख के आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ लग रहा है बदलाव हुआ है बीते वर्षों में? मैं तो 2004 में आई थी, अब आई हूँ, काफ़ी चेंज है। काफी चेंजेस है, बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। हाँ, और सबसे अच्छा मछली घर है। हाँ, हाँ, क्या एंजॉय किया आपने पटना जू? बहुत अच्छा लगा, पहले मैं बहुत पहले आई थी, लेकिन अभी आई तो काफी प्रोग्रेस है। हाँ, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, एक्वेरियम भी है, वाटर पार्क भी है, सब चीज, मतलब काफी अच्छा रहा, काफी प्रोग्रेस। क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? एक्वेरियम, हाँ हाँ, अच्छा लगा। और ये वाटर पार्क भी अच्छा है। हाँ, इंजॉय किए हम लोग, काफ़ी इंजॉय किए। और ऐसे में लोगों की भी भीड़ जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है। आज वन पर्यावरण एवं जल वायु परिवर्तन मंत्री जो बने हैं प्रेम कुमार, वो भी यहाँ का निरीक्षण करने पहुँचे थे। ऐसे में तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फेंकती नहीं है। अब वो नीचे वाला का क्या नाम है? कार्तिक असुभद्रा। लड़का लोग ऐसे ही बदमाश होते हैं, लड़का लोग ऐसे ही बदमाश होते हैं, लड़की लोग सीधी होती है। दिखा लो, फेंकेगा फेंकेगा, तैयार रहो। हाँ फेंकता है, अभी तो यही फेंक रहा है, पत्थर भी फेंकता है। बाल का गुच्छा है वो, तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो धीरे धीरे घिसने का इसको आदत, खुजली होती है। किस सेंटर है? हाँ, ये राइनो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है। इसमें सर अभी तीन सेक्शन है, तीन सेक्शन में हम लोग के पास एक पेयर इसमें है सर। एक जो नर है इसमें वो बेतिया से लाया गया था सर, रेस्क्यू था। और एक हम लोग जानवर अदला बदली कार्यक्रम के तहत में ये मादा को हम लोग गुवाहाटी जू से लाए। और इनको हटाइए ना, बॉडी कट वो वही रहो तुम्हारे।